बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से खुशामदीद। और आज हम आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने जो जॉब्स अनाउंस की हैं उसके मुतालिक, कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उनका कितना कोटा है और एज लिमिट वगैरह क्या है। ये सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। तो इस पोस्ट जो लोग इस पे रिक्रूट होंगे या इस पे सिलेक्शन जिनकी होगी, उनकी डेजिग्नेशन जो होगी वो होगी इलेक्शन ऑफिसर। तो BPS 17 होगा इसका। क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है मास्टर सेकंड डिग्री या फिर बैचलर डिग्री, जो भी आपकी ऑनर्स में हो। इसके अलावा BCOM ऑनर्स सेकंड डिवीज़न और लॉ ग्रेजुएट जिसने LLB की हुई है, और BA BSc जिसने सेकंड डिवीज़न के साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस जिसका हो। यानी कि अगर BA BSc BCOM किया हुआ है सेकंड डिवीज़न के साथ, बैचलर जो लोग हैं और 2 साल उनके गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं, तो उनके लिए भी एलिजिबिलिटी है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 इयर्स है और रिलैक्सेशन भी है, आगे चल के वो भी बताएंगे कि किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं रिलैक्सेशन। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 59 और कोटा जो है इन पोस्ट का 4 होंगे ओपन मेरिट पे। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे जो टॉप पे 4 होंगे वो मेरिट पे आएंगे। पंजाब के 29 हैं और उस 29 में 3 वोमेन कोटा है 10% के हिसाब से, और एक मिनॉरिटी का है 0.05% की रेशो से। KP के 7 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, सिंध अर्बन की 4, सिंध रूरल की 7, फाटा की 2 और गिलगित बल्तिस्तान की 1। AJK के लिए भी 1 पोस्ट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने जो अप्लाई करना चाहते हैं, डिज़ायरस हैं एस्पिरेंट्स, अटेस्टेड कापी ऑफ CNIC मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि हार्ड कापी में जो फॉर्म भेजेंगे उसमें अटेस्टेड कापी लाजमी होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट ऑफ 5 इयर्स ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। तो आप एज रिलैक्सेशन फॉर जॉब वो देख सकते हैं CSS के लिए, जिस तरीके से एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन में मिलती हैं, इस तरीके से आपको इस पोस्ट पे भी मिलेगी। लेकिन इसका तरीक़ेकार आप जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होगा। आप अपने अपनी जॉब जहाँ पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो लोग हैं या किसी ऐसे इदारे में ऑटोनमस है, तो वहाँ की पॉलिसी से आप देख सकते हैं कि उन लोगों को एज की रिलैक्सेशन कितनी है और वो कैसे क्लेम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर, द नंबर ऑफ वैकेंसीज बीइंग अनाउंस्ड इज सब्जेक्ट टू एनी सब्सिक्वेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़। ये बाद में बढ़ भी सकती हैं, कम भी की जा सकती हैं। पर्सन ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। तो आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से परमिशन लेके NOC लेके अप्लाई करना है। पाँचवें नंबर पर, एप्लीकेंट्स मे अप्लाई थ्रू ECPZ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाई विजिटिंग द लिंक। आप जो है डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं ECP की वेबसाइट पे www.ecp.gov.pk या फिर jobs.ecp.gov.pk से। विद इन 15 डेज ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। छठे नंबर पे क्या, एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस इन हार्ड फॉर्म। तो हार्ड कापी भी आपको सबमिट करना होगी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद। सातवें नंबर पे, हार्ड कापीज ऑफ देयर एप्लीकेशंस ऑन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड फोटोकॉपीज ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच शुड रीच थ्रू PO बॉक्स नंबर 1418 ऑन और बिफोर द 30th मई। नई डेट लिखनी चाहिए थी इनको, ये गलत डेट है, 14 मई है लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए, 14 मई। नोट प्लीज़, एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स हु हैड
earlier applied for the post of election officer in response to previous advertisement dated 17 मार्च 2019 do not need to reapply. 2019 में जिन्होंने अप्लाई किया था अब रीअप्लाई करने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनकी ऑलरेडी जो एप्लीकेशन हैं उन्हीं पे वो टेस्ट देंगे. एप्लीकेशन आफ्टर कट ऑफ डेट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू. तो हम पिछला ट्रेंड देखें टेस्ट की अगर बात करें तो पिछला ट्रेंड देखें तो उसमें जो जनरल चीज़ें हैं वो शामिल होंगी और इसके अलावा ऐसे वगैरह होगा इंग्लिश का, इसके अलावा डायलॉग हो सकता है, एप्लीकेशन आ सकती है इंग्लिश की जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था उस फॉर्मेट के मुताबिक. हम अभी लेके चलेंगे अपने नए सेशन को और अगर बाद में ईसीपी ने अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं किया तो हम मुमकिन तौर पर जितनी चीज़ें जनरल लेवल पे आती हैं यानी कि एनालिटिकल पोर्शन, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ, एवरीडे साइंस, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, तो वो हम इस सेशन में पढ़ाएंगे और अगर कोई चीज़ एडिशनल बाद में अनाउंस होती है तो उसको भी हम उसी सिलेबस में साथ कवर करवा देंगे. तो आप हार्वर्ड एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे तैयारी. आजकल तो इशू वैसे ही है, कहीं क्लासेस ज्वाइन करना ही मुश्किल है, लेकिन ये हमारा फोरम जो है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, कोई आपको टाइम नहीं वेट करना पड़ता टीचर के आने का, टीचर के जाने का, ना इतनी ज़्यादा फीस होती है हमारी. तो आप हमारा ऑनलाइन सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com और कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, नंबर गिवन है. खुदा हाफिज़.